हेलो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 6 से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 6 को पढ़ते हैं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये वृत्त दिया हुआ है, ये इसकी दूरी है स्पर्श रेखा की 4 सेंटीमीटर। स्पर्श बिंदु से केंद्र की दूरी है जो वो है 5 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या ओ बी की लंबाई बतानी है। ओ बी जो त्रिज्या है उसकी लंबाई हमें निकालनी है। तो यहाँ पर ये जो कोण है ए बी ओ, ये बराबर होगा 90 डिग्री, प्रमेय 10.1 द्वारा। अब त्रिभुज ए बी ओ एक समकोण त्रिभुज हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ये हमारे पास है लंब, ये हो जाएगा धार और ये है कर्ण। तो जो ओ बी है उसका वर्ग बराबर हो जाएगा ओ ए का वर्ग घटा ए बी का वर्ग। तो ओ बी का जो वर्ग है वो बराबर होगा ओ ए 5 का वर्ग घटा 4 का वर्ग, और ये आ जाएगा 25 घटा 16 बराबर 9। तो यहाँ से हमारे पास ओ बी बराबर हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की जो लंबाई है वो हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 7 है, दो केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। हमारे पास ये दो वृत्त हैं, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, दोनों का केंद्र है O। हमें इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है ए बी। जो ए बी है वो बड़े वृत्त की तो जीवा है और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है जो उसको बिंदु सी पर स्पर्श करती है। तो यहाँ पर हमारे पास हमें जो निकालना है वो है ए बी। ए बी की लंबाई क्या होगी, जो एंगल हमारे पास कोण है ओ सी बी वो बराबर होगा 90 डिग्री के, प्रमेय 10.1 से, क्योंकि जो बिंदु सी है छोटे वृत्त का स्पर्श बिंदु है, इस केंद्र से मिलाया गया है। तो ये जो ओसी त्रिज्या है, ये ओसी त्रिज्या लंब है इसके ऊपर, इस स्पर्श रेखा ए बी के ऊपर, इसलिए कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। तो त्रिभुज ओ सी बी में ओ सी बी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगी। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमारे पास बी सी का वर्ग हो जाएगा ओ बी का वर्ग घटा ओ सी का वर्ग। ओ बी हमारे पास है 5, ओ सी है 3, 25 घटा 9 बराबर 16। तो यहाँ से बी सी हो जाएगा दोनों तरफ वर्गमूल करने पर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 4 सेंटीमीटर। अब हमें ये ए बी की लंबाई बतानी है, बी सी हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमारे पास ओ सी लंब है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ए बी है जो ये बड़े वृत्त की क्या है, जीवा, बड़े वृत्त की जीवा है। और हमने पढ़ा था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए हमारे पास ए सी बराबर हो जाएगा बी सी। अब बी सी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर,
तो यहाँ से एसी कितना होगा, एसी भी हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हमें बताना है एबी, एबी हमारा है एसी जमा बीसी, यानी 4 जमा 4 8 सेंटीमीटर। अतः जीवा की लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 8 है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि ए बी जमा सी डी बराबर होगा ए डी जमा बी सी। यहाँ वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज खींचा हमने, और हमें ये सिद्ध करना है कि इन दो भुजाओं का जोड़ इन दो के बराबर होगा। तो यह आकृति में देख लीजिए अच्छी तरह से, ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, और यहाँ पर ये ए बी पी पर स्पर्श करती है, ये क्यू पर, ये सी डी बिंदु आर पर, और ए डी बिंदु एस पर स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ से हमारे पास ए एस बराबर होगा ए पी, क्यों होगा लिखते हैं यहाँ पर, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बी एक बाह्य बिंदु है, बी से स्पर्श रेखा खींची गई है, बी पी और पी क्यू, इस तरह लिख सकते हैं इसको, बी क्यू बराबर बी पी, ये समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से फिर सी एक बाह्य बिंदु है, सी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो सी क्यू और सी आर बराबर होंगे, ये सी क्यू और ये सी आर, ये दोनों बराबर होंगी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। फिर हमने बिंदु डी से दो स्पर्श रेखा खींची हैं, डी आर और डी एस, तो डी एस बराबर होगा डी आर, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 4। वही कारण देंगे कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अब समीकरण 1, 2 व 3, 4 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर हमारे पास आएगा ए एस जमा बी क्यू जमा सी क्यू जमा डी एस बराबर ए पी जमा बी पी जमा सी आर और जमा डी आर। यहाँ से हमारे पास इनका जोड़ ही आ जाएगा। अब ए एस और डी एस, ए एस जमा डी एस को इकट्ठा कर लिया, बी क्यू जमा सी क्यू बराबर ए पी जमा बी पी और सी आर जमा डी आर। ए एस जमा डी एस हमारे पास हो जाएगा ए डी, बी क्यू जमा सी क्यू हमारे पास हो जाएगा बी सी, ए पी और बी पी हो जाएगा ए बी, सी आर और डी आर हो जाएगा सी डी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी जमा सी डी बराबर है ए डी जमा बी सी, और यही हमें इसमें सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 9 को पढ़ते हैं, आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु सी पर एक स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी कोण है वो 90 डिग्री है, ये जो कोण है ए ओ बी ये बड़ा कोण, ये हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है। यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं और एक ए बी है, ये तीसरी एक स्पर्श रेखा है। तो आइए करते हैं इसको, हमने एक रचना की इसमें ओ सी को मिलाया, हमने ओ को सी से मिला दिया, इसको हमने मान लिया कोण 1, ये कोण है 2, ये कोण 3 और ये कोण मान लिया हमने 4। तो यहाँ पर हमें ए ओ बी को 90 सिद्ध करना है। हमारा जो कोण ए ओ बी है
वो अब कहलाएगा कोण दो जमा कोण तीन। कोण ए ओ पी है वो बराबर होगा कोण दो जमा कोण तीन, और इसे हमें बताना है कि ये बराबर है 90 डिग्री का, ये हमें ज्ञात करना है, बराबर 90 डिग्री। हमने OC को मिलाया, त्रिभुज लेंगे हम पहले AOP वह त्रिभुज AOC में, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर AO बराबर है AO, अभिनिष्ट है, OP बराबर OC, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, और यहाँ से AP बराबर है AC, ये दोनों क्या हैं स्पर्श रेखाएं, एक बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज AOC, भुजा 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 द्वारा त्रिभुज सर्वांगसम है, तो हम कह देंगे यहाँ से कि कोण एक बराबर हो जाएगा कोण दो CPCT द्वारा, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। इसी प्रकार हम लेंगे त्रिभुज क्यू ओ बी, वह त्रिभुज सी ओ बी, इन दोनों त्रिभुजों में क्यू ओ बी सी ओ बी, यहाँ पर भी ये दोनों त्रिभुजें क्या होंगी सर्वांगसम, कैसी होंगी, यहाँ पर हमारे पास बी ओ बराबर है बी ओ उभयनिष्ठ, बी क्यू बराबर है बी सी स्पर्श रेखाएं, ओ क्यू बराबर है ओ सी, ओ क्यू बराबर ओ सी, ये दोनों त्रिज्याएं हैं। तो त्रिभुजें क्यू ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ बी, कोण भुजा 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 द्वारा, ये दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम है, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि कोण तीन बराबर है कोण चार बाय सी पी सी टी, ये भी बराबर हो जाएंगे, सरल रेखा है पी क्यू है वो हमारी एक सरल रेखा है। तो रैखिक युग्म के द्वारा कोण एक जमा दो जमा तीन जमा चार बराबर होगा 180 डिग्री रैखिक युग्म से, जहाँ पर कोण दो है उसको हम ले सकते हैं, सॉरी कोण एक को हम ले सकते हैं कोण दो, क्योंकि एक और दो बराबर हैं, एंगल दो को हमने दो लिख दिया, तीन को तीन लिखा, एंगल चार को हम ले सकते हैं एंगल तीन, क्योंकि तीन और चार बराबर हैं, बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हमारे पास दो कोण दो जमा दो कोण तीन बराबर 180 डिग्री, दो कॉमन लिया कोण दो जमा कोण तीन बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कोण दो जमा कोण तीन बराबर 180 बटे दो 90 डिग्री, और दो तीन हमारा कोण था ए ओ बी, बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और वही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 10 है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु के से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक का मतलब होता है 180 180 डिग्री। तो हमें यहाँ पर यह दिखाना है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये वाला कोण, और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हमारे पास है ए बी, ए बी द्वारा केंद्र पर बना गया कोण, ए बी ने केंद्र पे कोण बनाया यहाँ पर ओ पर, ये कोण, तो इस कोण का और इस कोण का जो जोड़ है वो 180 के बराबर होगा, ये हमें इसमें दिखाना है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि कोण ए बी बी और ए ओ बी का जोड़ 180 डिग्री होगा।
तो हम इसमें लेकर चलते हैं ए ओ बी पी। ए ओ बी पी एक चतुर्भुज है। आकृति में आप देख पा रहे होंगे कि जो ए ओ बी पी है वो हमारे पास एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ होता है 360। तो यहाँ से हम उसी का प्रयोग करेंगे। हमारे पास जो ये कोण हो जाएगा यहाँ पे, ये होगा 90 डिग्री का, ये कोण भी होगा 90 डिग्री का। तो यहाँ से हम लिखेंगे ये कोण पी ए ओ बराबर 90 डिग्री, पर में 10.1 से। इसी प्रकार कोण पी पी ओ बराबर होगा 90 डिग्री, पर में 10.1 से। अब क्योंकि हमारे पास ए ओ बी पी एक चतुर्भुज है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण बी पी ए या ए पी बी जमा कोण पी ए ओ, ये वाला जमा कोण पी बी ओ जमा ये कोण बीच वाला ए ओ बी, हमने चारों कोणों को जोड़ दिया, बराबर होगा 360 डिग्री। लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है। आगे देखिए, अब हमारे पास इन दो कोणों का मान दे रखा है 90 डिग्री, उसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो कोण जो बी पी ए है, बी पी ए जो हमें निकालना है, ए पी बी या बी पी ए उसका हमें नहीं पता, प्लस कोण पी ए ओ, पी ए ओ का मान है 90 डिग्री, यहाँ पे रखेंगे। बी पी ओ कौन है जो, ये कौन बी पी ओ, ये बराबर है 90 डिग्री। चौथा हमारे पास है कोण ए ओ बी बराबर 360। हमने सिर्फ कोण की वैल्यू ऊपर रख दी। अब यहाँ से हमारे पास कोण ए पी बी जमा कोण ए ओ बी प्लस 90 और 90 180 डिग्री, बराबर होगा 360 डिग्री। यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 माइनस 180 डिग्री, और ये हमारे पास आएगा 180 डिग्री। और ये हमें इसके अंदर सिद्ध करना है कि कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर होगा 180, यानी इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे, संपूरक।